श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण कार्य जारी है, जहां इंदौर में बीजेपी नेताओं ने सामूहिक तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीजेपी और संघ के दिवंगत नेताओं के साथ ही शहीदों का तर्पण भी किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू पिछले करीब 10 सालों से पितरों का तर्पण करते आ रहे हैं, जहां हर साल श्राद्ध पक्ष में होने वाले तर्पण कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही कई दिवंगत नेताओं और शहीदों का तर्पण किया जाता है। इस तर्पण कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यत्पादभङ्गज स्मरणाद् यस्य नाम निपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे सांब्रह्मीश्वरं। कलश का जल थोड़ा सा आसन के नीचे डालिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, नमः पार्वती वदये हर हर। सांसद शंकर लालवानी की माने तो श्रद्धा सुमन सेवा समिति हर साल इस तरह का तर्पण कार्यक्रम आयोजित करती है, जहां ये तर्पण कार्यक्रम सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है। श्रद्धा सुमन सेवा समिति इंदौर द्वारा हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण का कार्यक्रम होता है और ये सामूहिक रूप से होता है। और इस श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण नहीं मिलते, पुजारी नहीं मिलते, विधि विधान की जानकारी नहीं होती, तब यहाँ पर विधि विधान से श्राद्ध होता है, तर्पण होता है और प्रतिवर्ष होते जा रहा है। आज हम उनको भी तर्पण किया जो कोरोना में अज्ञात जिनकी मृत्यु हुई, उनका भी तर्पण सामूहिक किया। और ये एक अनूठा कार्यक्रम पूरे देश में इंदौर में ही होता है और मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद मालू की माने तो श्राद्ध पक्ष में सभी लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जहां वरिष्ठ नेताओं ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनका तर्पण किया जा रहा है। श्रद्धा क्रियते इति श्राद्धम, ये श्राद्ध पक्ष है और हम सनातन सभ्यता में भारतीय संस्कृति में मानवीय संबंधों की जो गहराई है वो कितनी गहरी है वो इस बात का प्रमाण है कि हम जो दिवंगत हो गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी जलांजलि अर्पित करते हैं, भोजन द्रव्य देते हैं। इसी निमित्त मैं लगातार वर्षों से आनंद गोष्ठी के माध्यम से पितरों का तर्पण करने हंसदास मठ पर आता हूं और मैंने देश के महापुरुषों, दिवंगत संतों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके अलावा कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं, उनको, शहीदों को और महापुरुषों को यहाँ पर तर्पण करके जलांजलि देकर उनके आशीर्वाद से हम सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं कि देश लगातार विश्व का सिरमौर बने, देश में अमन चैन शांति रहे, सब समृद्ध हों, नागरिक सब निरोगी हों, हम इस महामारी से छुटकारा पाएं, समृद्धि के उस अनंत आकाश की तरफ भारत के नागरिक जाएं, हम ये कामना करने के लिए यहाँ पर मैं ये तर्पण का कार्यक्रम करता हूँ। और मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए और समाज के लिए मांगने के लिए उनको श्रद्धा से याद करता हूँ। हर साल का ये अनुष्ठान है, मैं इस माध्यम से लोगों को प्रेरित करता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को वो पालन करें और इन 16 दिनों में अपने जो दिवंगत हो चुके महापुरुष, हमारे घर के पितर और देश काल समाज में जिन लोगों से हमारा संपर्क रहा है, उनको भी हम याद करें, उनका स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अपने दिवंगत नेताओं का तर्पण करने कार्यक्रम में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।